हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, एक नई वैकेंसी आई है और इसमें बहुत ही ज़्यादा पोस्ट्स हैं, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का सिलेक्शन होने का चांस भी है। ये है वैकेंसी बिहार राज्य के पटना से संबंधित है, संयोजक केंद्रीयकृत चयन और नियुक्ति समिति सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश पटना कार्यालय। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है बिहार के अधीनस्थ न्यायालयों के लिए वर्ग 3 यानी समूह गा के पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन बिहार व्यवहार न्यायालय अधिकारी एवं कर्मचारी नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण एवं अन्य सेवा शर्तें नियमावली 2022 के परिपेक्ष में आमंत्रित किए जाते हैं। इन रिक्तियों की विवरणी निम्नवत है। देखिए, नंबर एक पे क्लर्क है, जिसमें आपको 3,325 वैकेंसी खाली है। दूसरे नंबर पे स्टेनोग्राफर है, जिसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और ये 1,562 रिक्तियां हैं इसमें। तीसरे नंबर पे है कोर्ट रीडर सह गवाही लेखक, जिसकी 1,132, और चौथे नंबर पे है चपरासी या अर्दली, 1,673 पोस्ट। दोस्तों, इसमें लिखा हुआ यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पद पर आवेदन करना चाहते हैं तो वे प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन पत्र समर्पित करेंगे। यानी अगर इनकी फीस 100 रुपये, मान लिया 100 रुपये होगी एक पोस्ट के लिए, तो आपको अगर चारों पोस्ट फिल करना है तो आपको टोटल 400 रुपीज़ देने होंगे, पे करने होंगे। ठीक, फिर लिखा हुआ है उपरोक्त पदों से संबंधित विज्ञापन व्यवहार न्यायालय पटना के आधिकारिक वेबसाइट district.ecourts.gov.in/patna पर दिनांक 16 सितंबर यानी 16/9/2022 या उससे पहले उपलब्ध रहेंगी। इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन दिनांक 20/9/2022 यानी 20 सितंबर 2022 से स्टार्ट होगा और 20 अक्टूबर 2022 इसकी लास्ट डेट रहेगी ऑनलाइन आवेदन करने का। ठीक है, इसके उपरांत लिंक बंद कर दिया जाएगा, अन्य किसी भी प्रकार से किए गए आवेदन स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। यानी इसका जो अप्लाई करने का है वो ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, यहाँ पे इनका सिग्नेचर है संयोजक का। तो फ्रेंड्स, सब मिला जुला के यही कहना है। और हाँ, एक बात और, इसमें पुराने वैकेंसियों को देखा जाए, इसके पहले जो आया हुआ था स्टेनोग्राफर का, उसमें जो स्टेनोग्राफर की स्पीड मांगी गई थी वो 60 वर्ड शायद मांगी गई थी। ठीक, तो ये जब आपका ये इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा तो फिर से एक बार हम लोग अपलोड करेंगे वीडियो डिटेल्ड सिलेबस और उसके स्टेनोग्राफर की स्पीड के साथ। ठीक है, तो जल्द से जल्द इसकी तैयारी में लग जाइए, इसका सिलेबस भी जल्दी आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, बस यही बताना था। चलिए, ठीक है फिर, थैंक यू, विश यू बेस्ट ऑफ लक।